दोस्तों, अक्टूबर 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद ड्रग केस में अनन्या पांडे का नाम भी खूब उछला था। आर्यन अनन्या के व्हाट्सएप चैट ने तो हंगामा मचा दिया था, जिसके बाद अनन्या पांडे को एनसीबी ने 3 बार पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि 2 बार तो अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची, मगर 3री बार अनन्या पांडे पूछताछ के लिए पहुंची ही नहीं। इसके बाद केस में काफी उतार चढ़ाव आए और केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची कोई नहीं जानता है। खैर, फिलहाल तो खबर यह है कि अनन्या पांडे को ड्रग केस की वजह से खूब फटकार मिली। अनन्या को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। इतना ही नहीं, अनन्या पांडे का पूरी शूटिंग यूनिट के सामने बेहद भद्दा मजाक भी उड़ाया गया, जिसके बाद अनन्या पांडे ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और खूब जोर जोर से रोई। तो क्या हुआ था गहराइयां की शूटिंग के दौरान, कैसे डायरेक्टर शकुन पत्रा ने अनन्या पांडे को लताड़ लगाई थी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो शकुन बत्रा की फिल्म गहराइयां इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य करवा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म अब किस वजह से चर्चा में है हम इस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात इस पर करेंगे कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अनन्या पांडे के साथ क्या हुआ था। अब इसी बीच खास बात यह है कि शकुन बत्रा की गहराइयां की दोनों एक्ट्रेस ड्रग केस में फंस चुकी हैं। दोनों से एनसीबी पूछताछ भी कर चुकी है और दोनों को ही क्लीन चिट नहीं मिली है। लिहाजा शकुन बत्रा के लिए इस बात को पचा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दर्शक ड्रगी एक्ट्रेस को लगातार नकारते आ रहे हैं। ऐसे में फिल्म की दोनों ही एक्ट्रेसेस पर ड्रगी होने के संगीन आरोप लग चुके हैं और ये बात कहीं न कहीं शकुन बत्रा को बेहद परेशान कर रही है। अब इस बात की खुन्नस शकुन बत्रा ने गहराइया की शूटिंग के दौरान भी निकाली। जी हाँ, खुद अनन्या पांडे ने इस बात को स्वीकार किया है कि सेट पर उनका खूब मजाक उड़ाया गया था और वो इस बात पर खूब फूट फूट कर रोई भी थीं। दरअसल फिल्म की कास्ट इस वक्त अपनी फिल्म को प्रमोशन करने में लगी हुई है। इस बीच अनन्या पांडे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो निर्देशक शकुन बत्रा से जुड़ा एक हैरान करने वाला किस्सा शेयर कर रही हैं। अनन्या पांडे ने खुद बताया कि जब एक सीन को लेकर अनन्या पांडे काफी एक्साइटेड थीं और उन्हें लगा था कि इस सीन के बाद वो छा जाएंगी और निर्देशक उनकी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जब वो सीन करके बाहर आई तो देखा कि शकुन बत्रा उनकी तारीफ करने के बजाय उन पर बुरी तरह हंस रहे थे। इतना ही नहीं, शकुन बत्रा के साथ ही शूटिंग में मौजूद यूनिट के 4-5 लोग भी उनका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। सामने आया कि ये सीन एनसीबी पूछताछ के दौरान ही शूट किया गया था, यानी जब अनन्या पांडे आर्यन खान ड्रग केस में एनसीबी पूछताछ को लेकर एनसीबी दफ्तर के चक्कर काट रही थी और ड्रग केस को लेकर फैंस हर तरह से उनकी थू-थू कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ये सीन भी शूट किया गया था। मुंबई के पास स्थित अलीबाग में इसकी शूटिंग की गई थी और इसके बाद ही सेट पर डायरेक्टर का बर्ताव अनन्या पांडे को लेकर बिल्कुल बदल गया था। सामने आया कि पहले शकुन बत्रा अनन्या पांडे को खूब सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो जूनियर आर्टिस्ट हैं और दीपिका पादुकोण काफी सीनियर, मगर दीपिका पादुकोण के साथ और सिद्धांत के साथ सीन देने में जब कभी भी अनन्या पांडे अनकंफर्टेबल हुई तो हमेशा शकुन बत्रा ने उनकी मदद की, हर सीन खुद समझाने आते थे। मगर ड्रग केस के बाद 15 दिन तक शकुन पत्रा ने अनन्या पांडे से बात तक नहीं की, क्योंकि शकुन पत्रा को पता है कि पहले से ही दीपिका पादुकोण ड्रगी होने का टैग हासिल कर चुकी हैं और अब दूसरी एक्ट्रेस पर भी ड्रगी होने के आरोप लग गए हैं। शकुन पत्रा को जरूर लगने लगा होगा कि कहीं दोनों एक्ट्रेसेस उनकी पूरी मेहनत पर पानी न फेर दें। हालांकि इस वीडियो में अनन्या की कही इस बात को सुनकर दीपिका पादुकोण बुरी तरह झेप गईं और दीपिका ने अनन्या की बात को संभालते हुए फिर से कहा और इस किस्से को अपने हिसाब से मोल्ड करते हुए बताया। अनन्या के चुप होने के बाद दीपिका ने कहा, अनन्या पांडे को शायद समझ नहीं आया, वो तो शकुन पत्रा इसकी फिरकी ले रहे थे। दीपिका ने बात को संभालते हुए कहा कि स्क्रिप्ट में एक सीन था जिसे लेकर अनन्या बेहद एक्साइटेड थी। अनन्या को लग रहा था कि आज गजब का परफॉर्मेंस करेंगे और शगुन खुश हो जाएंगे। दीपिका ने बताया कि अनन्या को बाथरूम में अकेले कैमरे के सामने खूब रोना था, ये पूरी तरह सेट सीन था। अनन्या कैमरे के सामने लगातार रो रही थी। अनन्या को लगा कि जब वो सीन करके बाहर आएंगी तो शकुन उनकी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन जब अनन्या बाथरूम से बाहर आई तो शकुन तारीफ करने के बजाय जोर जोर से हंसने लगे। शकुन अनन्या के मुंह पर जा जाकर हंस रहे थे और शकुन को इस तरह हंसते हुए देखकर अनन्या बहुत कंफ्यूज्ड हो गईं, डर गईं और वो एक बार फिर से रोने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने सीन में कुछ गड़बड़ कर दी है। अब आप देखिए, इसी वीडियो में इसी बात को संभालते हुए शकुन ने कहा कि वो भावुक सीन लिख तो देते हैं मगर देख नहीं पाते, इस दौरान वो कहीं और चले जाते हैं क्योंकि उन्हें हंसी आ जाती है। शकुन ने बताया कि उन्हें अक्सर डर रहता है कि वो भावुक सीन के दौरान कहीं बीच में ही हंस पड़ेंगे और उस दिन अनन्या के साथ भी यही हुआ था।
डायरेक्टर ने बताया कि जब वो सीन हेडफोन में सुन रहे थे तो उन्हें अनन्या के पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आ रही थीं और इसीलिए उनकी हंसी छूट गई। मगर पता नहीं अनन्या ने हंसने का क्या मतलब निकाला। वो हमारी एक्ट्रेस है, अब उसका नाम किसी भी केस में आए तो भी वो इस फिल्म की एक्ट्रेस रहेंगी। मेरा अनन्या का मजाक उड़ाने का मकसद नहीं था, बस मेरी खराब आदत की वजह से ऐसा हुआ। अब दीपिका पादुकोण और शकुन पत्रा भले ही कुछ भी कहें, मगर यहाँ साफ साफ पता चल चुका है कि ड्रग केस की वजह से अनन्या को डायरेक्टर की खूब लताड़ मिली है। और इस सीन के बाद तो शकुन पत्रा ने करीब 15 दिन तक अनन्या पांडे से बात भी नहीं की थी। ये खबरें भी मीडिया में आ चुकी हैं। अब ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी मेहनत करने के बाद अगर दर्शक फिल्म को नकार देंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार दोनों ड्रगी एक्ट्रेसेस ही होंगी। तो आपका इस पूरे वाक्य पर क्या कहना है दोस्तों, क्या वाकई में ड्रगी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे इस फिल्म को फ्लॉप करवा देंगी? आप भी कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुशांत के केस में अभी इस वक्त एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, जिसके चलते अब सुशांत के सारे दोषियों की नींद हराम हो चुकी होगी। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को तबाह किया, बर्बाद किया, सुशांत की बहनों पर फर्जी FIR करवाकर परिवार को बदनाम और परेशान किया, सबसे ज्यादा तो उसकी हालत खराब हो रही होगी ये खबर सुनकर। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब उसकी लाठी चलती है तो ऐसा कहर बरपाती है कि अच्छे अच्छे पापियों के घर उजड़ जाते हैं। आज तक सुशांत सिंह राजपूत का केस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कछुए की रफ्तार से चल रहा है क्योंकि सुशांत के परिवार के साथ कंधे से कंधा जोड़कर चल सके ऐसा एक भी पावरफुल शख्स मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से करोड़ों फैंस भी एकजुट होकर देश की सरकारों को हिला नहीं पा रहे थे। लेकिन इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर एडवोकेट विकास सिंह को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल खबर आ रही है कि सुशांत के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी और हमें आप सबको ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि एडवोकेट विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। ये खबर इसीलिए सारे SSRians के लिए बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट एक बहुत बड़ी और पावरफुल पोस्ट होती है और ये पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर को मिलना बहुत बड़ी बात है। और इस पोस्ट के मिलने के बाद हम 100% दावा ठोक कर कह सकते हैं कि अब जाकर सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नई जान फूकी गई है। इस पोस्ट के मिलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और इस वीडियो को इस वक्त देखने वाले हर एक SSRian से हम कहना चाहते हैं कि अब सुशांत के केस में एक नया चैप्टर जुड़ चुका है, तो आप लोग भी डटे रहें, सुशांत को आप सबकी बहुत जरूरत है दोस्तों। आगे आप सबकी भी बारी आएगी जिसमें आप लोगों को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहें, अपने जोश में कमी ना आने दें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज और बुलंद करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।